दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा, और मुझे मौका लगा आज सर के साथ बैठने का। तो इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते और हम चाहते हैं सर से कुछ परिचय के साथ कुछ बातचीत हो जाए, आपको भी कुछ पता चले। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो सर जानना चाहेंगे, आपको काफ़ी गहराई से हम जान रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं। सबसे तो पहले सर हम चाहेंगे आपका कुछ परिचय, आपका अपना जो परिचय है वो बतावें। जी, मेरा नाम मृत्युंजय प्रसाद यादव, ऐसे लोग आरसीएम बिजनेस के माध्यम से एमपी यादव बोलते हैं, जी जी है ना। तो मेरा नाम यही है, मेरे पिताजी का नाम अकुल प्रसाद यादव और मैं भागलपुर जिला से हूँ, जी कहलगांव एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर के बगल में जी देहात में मेरा घर है जी और इस बिजनेस को भी वहीं से मैंने स्टार्ट किया हूँ। जी बहुत अच्छा सर। और सर आज बहुत बड़ी आपका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, तो हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले आपका जो काम था क्या काम था आज देखिए, जी। ऐसे तो मैं 89 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हूँ जी और पहले पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जब मैं मैट्रिक के बाद से तैयारी किया तो इंटर किया, बीए किया, तो फिर सारा ठीक ठाक चलने लगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जीवन में हर वक्त स्ट्रगल किया, जी शुरुआत किया कि कुछ पैसा आवे। आज मेरे हाथ में जैसे घड़ी है, तो पहले होता था कि एक घड़ी अगर 150 में आती थी जी तो सोचते थे घड़ी कैसे लें। तो याद है वो दिन हमको कि जब हम एक छोटा सा रोड के बगल में छप्पर डाल के, यानी कह सकते हैं सर कि बहुत गरीबी में जीवन को जिए। नहीं मैं वहाँ जब मैं वही बताना चाह रहा हूँ जी आपको जी जी कि मेरी शुरुआत जो भी थी, पैसा कैसे आवे। तो हम थोड़ा सा उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं कहेंगे जी कि, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एक झोपड़ी डाल के थोड़ा बहुत जैसे होता है नमक, हल्दी, मसाला, मुढ़ी, दाल मोट, इसको मैं बेचना शुरू किया। अच्छा वहाँ अच्छा से मुझे पैसा का थोड़ा सा ललक हुआ जी और वो दिन याद है कि जब 1-2 महीना के बाद 150 रुपया में घड़ी खरीदा था तो बहुत आनंद मिला था। तो फिर मैं लोगों के खेतों में काम भी करना शुरू किया, मतलब बहुत गरीबी स्थिति थी, 7 भाई बहन का परिवार था, पिताजी शिक्षक थे, लेकिन जी फिर भी ठीक ठाक जीवन नहीं चल रहा था, जी कारण कि बहुत स्थिति खराब थी। 2.5 कट्ठा में घर था, बस उतना ही रहने का। तो लोगों के खेतों में भी काम किया, हमारे बगल में एनटीपीसी, उसमें भी मैंने काम किया, मजदूरी किया, दूसरे का काट के लाते थे खेत से। फिर धीरे धीरे पैसा कुछ हुआ तो हम जनरेटर बना लिए, अच्छा बाजा खरीद लिए, जी फिर चक्की होलर लगा दिए, जी कुछ लोगों ने कहा मेरे बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाना भी शुरू कर दिए। अच्छा उसी क्रम में रोड के बगल में जब दुकान डाले थे गुंडी में, तो कुछ लोगों ने कहा साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, साइकिल का पंचर बनाना शुरू कर दिए। तो यूँ कहिए ना कि जीवन में फिर कुछ और आगे बढ़े, थ्रेसर खरीद लिए। तो ज़िंदगी बहुत अस्त व्यस्त जी रहे थे, लेकिन एक ललक थी कि पैसा चाहिए और कुछ नाम भी हो। जी तो सर बहुत अच्छा, आज तो आपका नाम भी है, बट हम जानना चाहेंगे कि आरसीएम आपको कहाँ से मिला और इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी लिए और आज सफल हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे आरसीएम की शुरुआत जब आप किए थे ये मिला आपको नहीं, कैसे। आरसीएम डिटेल में हम जानते नहीं थे। अरे अच्छा डिटेल में जानते तब तो फिर कुछ और कर लिए होते। अच्छा देखिए अच्छा हुआ क्या कि हमारे गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, जी देखिए बहुत अच्छा दिन में आपने हमसे बात करना शुरू किया। मेरा गुरु जो है हमारे नियामुद्दीन साहब हैं, मैं अच्छा उसको बहुत थैंक्स करता हूँ, मैनी जी मैनी थैंक्स जी कि उन्होंने इस बिज़नेस को मुझे दिया। जी और देखिए कारण है क्या, कुछ चीज़ होता है ना, पिताजी का, मम्मी का, कर्मों का फल होता है, जी हम उसको यूँ मानते हैं। पहला गुरु तो हमारी मम्मी पापा है ना, जी तो उनका कर्मों का फल जो होता है ना आपको जीवन में कुछ देता है। देखिए परमात्मा कुछ देना चाहता है तो एक रास्ता, माध्यम बन के देता है। तो हमें निजामुद्दीन सर मिले और बोला कि कपड़े पहनने से पैसा आता है, और उसमें प्लान कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था। अच्छा तो हमको लगा कि दुनिया का बेवकूफ़ काम है, कपड़ा पहनने से पैसा आता है, नंगे थोड़ी घूम रहा है। तो मैंने ज्वाइनिंग कर हाँ लिया। कपड़ा तो सब लोग हाँ पहनते हैं बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। 1500 रुपया में 3 जोड़ी कपड़ा मिलता था अच्छा और मैंने लिया, और लेने के बाद शुरुआत किया। शुरुआत किया तो कुछ लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन बड़ा स्ट्रगल काम था, जी लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, बेवकूफ़ बन गया तू, मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। एक बैग मिलता था काला ऐसा, उसके अच्छा अंदर में कपड़ा आता था, अच्छा तो लोगों को बताते थे। लेकिन हुआ क्या कि शुरुआत जब किए ना तो एक ही दिन में 3 व्यक्ति को बना भी दिए। वाह क्या बात है।
तो उस समय 1280 रुपया बीबी आता था एक किट पर। अच्छा अच्छा। और 5000 बीबी जब होता था तो उसका 10% मिलता था, तो 512 जब हो गया 5120 रुपया, तो पहला चेक हमको मिला था 512 रुपया का। अच्छा अच्छा। और चेक जब मिला, लोगों को दिखाना शुरू किया, तो कोई व्यक्ति समझता नहीं था, कहता चेक आता है भसता नहीं है। अच्छा अच्छा। और हमने अपने बगल के खाता में डाला, हमारा आज भी खाता याद है, उस समय जो डाले थे 1949 है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा, अच्छा। उसमें डाले, हाथ से लिखता था उस समय। अच्छा अच्छा। एक महीना, दो महीना, तीन महीना हो गया, चेक भज भी नहीं किया। जब नहीं भजा तो हमको भी लगता था चेक भजने वाला नहीं है। 6 महीना लग गया चेक भजने में। अच्छा। लेकिन पैसा आया जी। फिर लोगों को बताना शुरू किया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा। और जो सिस्टम ने हमारे गुरुदेव ने बताते रहे, मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। वहाँ से मैंने मेरी इस बिजनेस में स्टार्ट हुआ। और कहा जाता है कि मैं बताया ना, कर्मों का फल है जी। आपके पिताजी मम्मी के कर्मों का फल होता है जो आप बच्चे पर होता है। और हम इसको परमात्मा की वैसे कृपा थी जो मुझे ये बिजनेस मिला और मुझे सुबुद्धि दिया कि आप इसी को करो जी। और मैंने दूसरे बिजनेस को कभी छुआ तक नहीं जी। और वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। और जब आपने इसकी शुरुआत की और आज 2020 में जी जी इतना दूर का सफ़र बहुत अच्छा रहा। लेकिन हम सर जानना चाहेंगे थोड़ा सा RCM बिजनेस के बारे में जिसमें आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगभग हमको लगता है 17 साल हो गया। जी जी बिल्कुल, 17 या 18 साल जी जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में कि कंपनी, चूंकि बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट जी, में जी, आप भी देख रहे हैं जी, जी। 17-18 वर्षों में बहुत सारी कंपनियां आई भी जी, गई जी, भी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ कंपनी है जो कि आज भी मार्केट में है, लेकिन हम खास आपके इस RCM के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें आपने बहुत अच्छी उपलब्धि भी ली, और कंपनी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे। देखिए आपको मैं बताऊं, देखिए शुरुआत में तो हम भी नए थे जी, जानते कुछ नहीं थे। बोला जाता था कि बाहर के लोगों को पैसा आता है, लेकिन हमको जो 512 है ना, बहुत विश्वास हुआ। तो देखिए कंपनी क्या है, मौका मिला हमको कंपनी घूमने का एक बार। अच्छा अच्छा। घूमने का कब मिला, जब मैंने रॉयल्टी लिया जी। रॉयल्टी हमारी 2006 में हो गई जी, अगस्त महीना में जी। 2006 में ही हो गया। उस महीने की इनकम हमारी 22,938 रुपया आया था। अच्छा, रॉयल्टी भी यहाँ। हाँ, रॉयल्टी आती है ना। अच्छा, रॉयल्टी आती है, बोलते थे, लेकिन हमको जब आया 22,938 रुपया, तो क्या बताएं, उस दिन हमारी खुशी जो हुई थी ना, बहुत गजब का खुशी हुआ था। और हमारे गुरुदेव बोले थे भिलवाड़ा चलना है घूमने के लिए, और जब कंपनी गया मैंने घूमने, देखिए कारण है क्या, किसी भी चीज़ को अगर करते हैं ना तो उसको विजिट जरूर करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, शुरुआत कर लीजिए तब करते रहिए। हाँ। ये नहीं पूरा कर लेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं होता है जी जी। अगर आप चाहते हैं दुनिया में कुछ करने के लिए, तो पढ़ते लिखते रहिए जी, या लिखते पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए, लेकिन शुरुआत करके जी। उससे क्या होगा, आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता नहीं। तो हमने शुरुआत कर दिया, रॉयल्टी आई। कंपनी जब विजिट किए तो कंपनी में DC छाबड़ा जी से मिले जी। उसमें आम आदमी की तरह ऐसा मैंने सोचा कि ये DC छाबड़ा सर भिलवाड़ा कंपनी के मालिक है, कंपनी के फाउंडर हैं। तो भिलवाड़ा राजस्थान में इनकी फैक्ट्री सब लगी हुई थी, और तब तक में 2006 में बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया था, 10-20 प्रोडक्ट आ चुके थे, जैसे पेस्ट था, चाय पत्ती था, इस प्रकार साबुन आता था, एक ही पीस में 5 पीस आता था पन्नी में पैक। तो मुझे देखने का मौका मिला और मैंने सोचा कि जब कंपनी के मालिक ऐसे इंसान हो सकते हैं तो इस बिजनेस में दम होगा और इसमें कामयाब आम आदमी हो सकता है। तो फैक्ट्री वहाँ सर बहुत बड़ी थी। हाँ नहीं, उस समय तो बहुत छोटी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन आज के दिन में तो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो चुकी है। कितनी बड़ी फैक्ट्री लगभग सर? अभी देखिए, अभी जो है ना, लगभग 17,000 स्क्वायर फीट में केवल RCM वर्ल्ड है, जहाँ पर कंपनी का ऑफिस है। मतलब एक जगह में 17 लाख स्क्वायर फीट, 17 लाख स्क्वायर फीट में है। अच्छा। वो पूरा मतलब कि फैक्ट्री का सिर्फ एक जगह, एक जगह और भी जगह होगा, और जगह तो बहुत, भारत में लगभग 12-13 जगह पर कंपनी लगी हुई है। अच्छा अच्छा। देखिए कंपनी अपनी लगभग 60% प्रोडक्ट खुद बनाती है। अच्छा। कुछ प्रोडक्ट इन्हें की उन्हें कंपनी से, जैसे इफ्का कंपनी से टाइप कर लिया, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपका कुकर आएगी प्रेस्टीज का, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आके इसे ऑफर करती है। अभी ये बहुत ब्रांडेड कंपनी आपकी हो गई है, हरित संजीवनी की जी। तो इस प्रकार से अभी गुड आउट आ गई है जी, जो मोनोपोली हम लोग का चलता है जी, जी। तो कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, हमको अच्छा लगा और हमने शुरुआत करना शुरू कर दिया जी। बिल्कुल जी जी। तो सर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने तो शुरुआत कर दी, प्रोडक्ट भी है जी जी। अगर एक आम व्यक्ति जी, जैसे अगर मैं आज आपके यहाँ घूमने के लिए आया, तो मेरे जैसे आम व्यक्ति चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, तो क्या इस सिस्टम में ज्वाइन कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होना, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या उसे क्या क्या करना होगा, ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है अगर आपके आरसीएम में हम आना चाहें जी, जी, तो जी, हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग का प्रोसेस एक ही है, एक ही वेंडेशन है, बाकी कोई वेंडेशन नहीं है। जी, जी। एक वेंडेशन केवल क्या है कि आपकी उम्र जी, भारत के नागरिक का जो वयस्क आदमी होता है 18 साल जी, केवल एक ही वेंडेशन है। अच्छा अच्छा। 18 साल से नीचे वाले को ज्वाइनिंग नहीं किया जाता नहीं है किया जाता। और इसका ज्वाइनिंग पहले तो होता था 1500 रुपया लगता था। अच्छा, अभी तो ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री हो गई है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री है, एक रुपया भी नहीं लगता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग करने के बाद और कौन कर सकता है, आपने जैसे बोला काला हो, गोरा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, लंगड़े हो, लुल्ले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात, केवल वो कपड़ा पहनता हो और नमक हल्दी मिर्ची खाता है वो ज्वाइनिंग करके यहाँ पर काम कर सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर कोई वेंडेशन दूसरा नहीं है। और एक आम आदमी, हम तो आम आदमी थे ना, हम पंचर बनाने वाले आदमी, आम नहीं तो क्या है। अच्छा, जब हम खेतों में काम करते थे आम नहीं तो क्या थे, तो जब हम कर सकते हैं, आप तो मेरे से बहुत बेहतर है। सर देखिए है क्या यहाँ पर, यहाँ लोग डरता क्यों है और क्यों नहीं समझ में आता है, फ्री में ज्वाइनिंग, नमक तेल हल्दी मसाला खाने से पैसा, शैम्पू लगाने से पैसा, और एक रुपया पाउच शैम्पू आपके और आपके भारत का तकदीर जब बदल सकता है, ये समझ में थोड़ा देर लगता है लोगों को, क्योंकि करोड़ों लगा के लोग नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो सफ़र किया यहाँ पर बिल्कुल बिंदास होके काम कर सकता है, और लगातार अगर 2-3 साल तक मेहनत कर दे और सिस्टम को फॉलो कर ले वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है। जी बिल्कुल, कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और ये जैसे कि हम ज्वाइन कर गए, मेरा इसमें आपका कुछ नंबर आता होगा तो वो मिल गया, तो मिलने के बाद क्या मतलब हमको नंबर जो होता है ना, ऐसे मानिए ना कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट इसमें क्या लगता है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी ओरिजिनल का, ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है जी बिल्कुल, पैन कार्ड अगर है तो दे दीजिए नहीं तो बाद में डालिए। अच्छा। और इसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगता है। अच्छा। और आपका मोबाइल नंबर लेगा जिस पर कि ओटीपी जाता है, वेरीफाई करता है, इसके बाद एक रेफरेंस नंबर आएगा जी। और उस रेफरेंस नंबर पर आप अपनी जरूरत का जी, जितना जरूरत हो आप खरीदारी कर सकते हैं और करके, और उसके 2-3 दिन के बाद केवाईसी हो जाती है, आप कभी तो बहुत जल्दी हो जाता है, 2-3 घंटा में हो जाता है जी। तो क्या है कि आपकी जब केवाईसी हो जाएगी तो एक आईडी नंबर आपके मोबाइल पर चला जाएगा और पूरे भारत में हजारों हजार इसके पिकअप सेंटर्स हैं जिसमें जाके उस आईडी के माध्यम से, आईडी यू समझिए जैसे आप मोबाइल जनरेट करते हैं जी, बम्बई में उस नंबर पर रिचार्ज करो आपके मोबाइल पर आ जाता है बिल्कुल, सेम उसी प्रकार से ये आईडी जो होता है पूरे भारत में आपके कोई भी लोग हैं उसको आप नंबर दे दो, वो उस पर खरीदारी करता है, नमक तेल हल्दी मसाला आपके मोबाइल पर मैसेज आता है और बिजनेस काउंट होके उसका हर एक महीना 30 तारीख के बाद आपका बिजनेस का कमीशन आपके खाते पर ट्रांसफर हो जाता है जी बिल्कुल, ये इसका प्रोसेस है। अच्छा जी जी। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने ज्वाइनिंग कर लिया, मतलब आपका जो फीड कर दिया सब कुछ जी जी, मेरा नंबर आ गया मेरे मोबाइल पर जी जी, अब हमें यहाँ पर अगर मान के चले कि काम स्टार्ट करना है तो इसका प्रोडक्ट जैसा आप बता रहे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत सारा प्रोडक्ट भी आप लगाए हुए हैं जी जी, तो जो प्रोडक्ट हमें क्या वो उसको बेचने के लिए जाना है या दुकान खोलना है या हमें उसको घर में यूज करना है, मतलब इसका क्या ऐसा है कि जैसे हमें आगे बढ़ना है तो क्या करें, इसको प्रोडक्ट को पहले यूज करें क्या करें वो जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन सा इसका प्रोडक्ट है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आप हम लोगों को क्या बताते हैं मालूम है जी, कि दुनिया के हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है जी, क्योंकि यहाँ पर आपके जरूरत का सामान है जी, सुबह से शाम तक जैसे पेस्ट करना है, आरसीएम का आता है, ब्रश आता है, चाय पत्ती आता है, भुजिया आता है, दलमोट आता है, बिस्किट आता है, गंजी आता है, जंगिया आता है, जो मैंने कपड़े पहने सारे के सारे, ये कलम भी इसी का आता है, तो सबको जरूरत है जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप किसी न किसी दुकानदार से लेते हैं हाँ। और वो एक माध्यम ट्रेडिशनल मार्केट का होता है। अच्छा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं, कंपनी होता है, प्रचार होता है, एडवर्टाइज, इस प्रकार से बहुत सारी सीढ़ी होती है, वो सारे लोग आपके इनकम लेते हैं। अच्छा। और वहाँ पर एक डर क्या बना हुआ होता है, वहाँ का डुप्लीकेट ही हो सकता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि कंपनी से कुछ माल लाता है और बहुत सारे लोग बीच में डुप्लीकेट कर देते हैं, वहाँ पर डर बना हुआ था। यहाँ क्या है,
वही प्रोडक्ट को यूज करना, बेचने की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर जैसे कि मतलब हमें दुकान नहीं खोलना, बेचना उचना बेचना उचना नहीं है। अच्छा, एक हलवाई की दुकान से आप मिठाई लेते हैं, अच्छा लगता है, अपने परिवार को क्या कहते हैं, उनके यहाँ से मिठाई लेना। एक डॉक्टर को दिखाते हैं, आपका रोगी ठीक हो जाती है, तो क्या कहते हैं, उस डॉक्टर के पास दिखाना। तो हमारे इंडिया के लोगों का नहीं, पूरे विश्व के लोगों का, मानव जाति का एक विचार होता है, जो अच्छा चीज होता है वो बोल देता है और उसको प्रचार करता है। तो आप इस माध्यम से, इस बिजनेस में आके अगर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर अच्छा लगता है, आपके सेहत पर ठीक होता है और बेहतर होता है, तो उसको आप लोगों को बताते हैं, इसी से टीम का निर्माण होता है। जी बिल्कुल, उसी को नेटवर्क में आप जोड़ देते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसका बेनिफिट आपके घर आता है। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। तो हम तो बराबर देखते हैं आपको कि अभी तो चूंकि लॉकडाउन में आप थे, तो लगातार 4-5 महीने से घर पे हैं। जी जी। लेकिन हम जब भी आते थे तो आप घर पे होते नहीं थे, पता चलता था कभी आप गुजरात में हैं, कभी दिल्ली में हैं, कभी जयपुर में हैं। तो कहीं से हमें पता भी चलता था कि आप हजारों हजार लोगों का मीटिंग लेते हैं। जी जी जी। आपके लोग टिकट कटा के एंट्री करते हैं सुनने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, ये सेमिनार क्या हर व्यक्ति को लेना जरूरी है, या हम भी ले सकते हैं, या आम व्यक्ति ले सकता है, या क्या ऐसा पोस्ट है जहाँ पर हमको भी सेमिनार लेना होगा, या आप जो सेमिनार करते हैं जी जी, क्या उससे पैसा मिलता है, या आपको सुनने के बाद लोग प्रेरित होते हैं जी जी, तो कुछ सेमिनार के बारे में हम जानना चाहते हैं। सर, ये क्या है, जैसे कि आप अभी, आपको मैंने एक बात बोला कि किसी भी चीज़ को आप जानते हैं तो लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सेमिनार क्या है, हम दिल्ली, बम्बई, गुजरात, हरियाणा, पंजाब क्यों चले गए, आप अभी जियो का या किसी भी नेटवर्क का एक टावर होता है जी। तो टावर जब गड़वा देते हैं तो उसका नेटवर्क वहाँ काम करता है। तो हम इस बिजनेस के माध्यम से एक टावर गाड़े हैं गुजरात में, जैसे आप अभी हमारे पास आए तो आप भागलपुर से हैं, जैसे कुंदन जी, आपका नाम है, तो मैं बताता, आपको मैंने ज्वाइनिंग कर दिया, तो आप क्या है कि वहाँ पे एक मेरा टावर हो गए, तो आप 2-4-5 व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सके, तो आपसे पहले हम आए हैं, तो इसकी जानकारी मेरे पास है, उसको हम क्या करते हैं, उसको जाके बताना चाहते हैं। अब देखिए, अगर मेरे टीम में आज हजारों हजार लोग हैं, अगर हम बताना शुरू करेंगे एक एक करके, जैसे आप अभी आए हैं, तो हमको लगता है दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 24 लोगों को बताएंगे, एक एक घंटा बात करेंगे, तो 30 दिन में बात करेंगे, 30 आदमी से बात करेंगे, तो मेरे ग्रुप में हजारों हजार लोग हैं, तो गुजरात में जैसे हजारों लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, एक टाइम फिक्स करते हैं और अपने जानकारी को बिल्ड करने के लिए एक समूह बना के एक जगह हम मीटिंग देते हैं, सेमिनार्स देते हैं, एक जगह आधारित उस जगह को चूज करते हैं जो सबको ही जानता है, और सबको फोन के माध्यम से बता के उस जगह बुलाते हैं, और एक टाइम में हजारों लोगों को हम उसको बताते हैं, वही सेमिनार में उसकी जानकारी देते हैं, ताकि हमको हमारा समय बचे, पैसा बचे, लोग की परेशानी बचे, और सारे लोग एक बार उसकी जानकारी ले ले। मतलब आप हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सहायता करते हैं, उनकी जानकारी को बिल्ड करते हैं, उसका कुछ हम पैसा उनसे लेते नहीं है। होता क्या है कि आप जिस जगह को आप कैरी करेंगे, जिसको लेंगे, वहां पर का तो खर्च बढ़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो हम क्या चाहते हैं कि सारे लोगों को मिला के 10-20-50-100 जो होता है, तो उस प्रकार से उस जगह के खर्च को मेंटेन करने के लिए लोगों से कुछ चार्ज लेके, नहीं उसको कहिए हेल्प राशि लेके, उसको हम लोग मैनेज करते हैं और काम हो जाता है। हाँ, मतलब वहाँ का जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ आप मीटिंग कर रहे हैं या बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, तो वहाँ जो खर्च है वहाँ का, उस खर्च के लिए वो टिकट लगता है। हाँ, बाकी आप टिकट नहीं कहिए उसको, हेल्प राशि कहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमको अगर देना पड़ जाए, हम 30 दिन मीटिंग करेंगे, एक जगह का खर्च 10,000 रुपया है, तो 30 दिन अगर जाके हम खर्च करेंगे तो 3 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, हमारी लाखों की इनकम है, 3 लाख कहाँ से देंगे। तो सब लोगों से लेके सबका बिजनेस ग्रो करें, इसकी उसको हम मैनेज करते हैं। मतलब पार्टिकुलर कह सकते हैं कि आप हेल्प करने जाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और छोटा छोटा उन लोगों का अमाउंट से वो उनका सेमिनार बिल्कुल सफल सफल होता है। जी जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम जानना चाहेंगे सर कि आज के डेट में जो इनकम की बात होती है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि दूसरे को फंसा के इनकम लिया जाता है, लेकिन अब तो क्लियर होते चले जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग भी काम कर रही है। तो आज अगर इनकम की बात करें सर, तो शुरुआत से लेकर अभी तक आपकी जो इनकम आई, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या इनकम रही, और आपके टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि आज अच्छा इनकम ले रहे हैं, किस व्यवसाय से थे, किस बैकग्राउंड से थे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, आपको मैं एक बताऊँ, एक बात बहुत बहुत अच्छा बोले, सबके माथे पर है फंसाना। जी, ये शब्द जो होता है ना, जी बिल्कुल, मेरे को भी लगा था फंसाना। तो एक बात बोला जाता है, जो फंसता है उसी का घर बसता है। जी, याद रखिएगा जी। अब जब बच्चे थे, हम जब बच्चे थे, जब हमारी मम्मी पापा ने स्कूल में नाम लिखाया, हमको लगता था फंस गए, और स्कूल जाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते थे, करते थे क्या, तो हमको फंसना लगता था। क्या वो फंसना काम था? नहीं, वो तो जिंदगी का बहुत बेहतर चीज था, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है जी,
आपके मम्मी पापा को, हमारे मम्मी पापा को जानकारी था कि स्कूल जाना बेहतर होता है, भले आज कष्ट हो जी, लेकिन जो व्यक्ति स्कूल गया जी, और उसको फॉलो किया, आज वो कामयाब हो गया। और बहुत सारे लोग फंसना समझ के, जो बच्चा स्कूल नहीं गया, बगीचा में खेलते रह गया, इधर उधर चला गया, उसके जीवन बर्बाद हो गए। तो इसी प्रकार से जो नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, 21वीं सदी का सबसे बड़ी मार्केटिंग हुई नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग ही आपके जीवन को बदल सकता है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति आपको लाता है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए फंसाने वाली बात। अगर वो फंसाता है, समझ लीजिए, सेम याद कर लीजिए बचपन की पढ़ाई, तो आप अगर ऐसा समझ लेंगे तो फंसना नहीं, आपका जीवन का बसना हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। रही बात इनकम की, इनकम हमारी, देखिए मैं सोचा नहीं था कि लाखों की इनकम लूंगा जी। मैं शुरुआत किया था कुछ आ जाए जी। और इनकम इस बिजनेस का अंतिम कड़ी होती है जी। आपका एक, जब आप मान सम्मान इज्जत शोहरत और अपना फेस वैल्यू आप बनाएंगे, आप अपने अंदर की सारी बुराई को छोड़ेंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे, तो आपका एक पहचान बनता है। उस पहचान के लिए आपको उसका कुछ रकम कहिए, वो आपको अभी इनकम क्या कहिए, 1 लाख रुपया इनकम नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ नहीं है, यहाँ तो करोड़ों रुपया महीना कमाते हैं लोग। तो मेरा मानना है कि आप अगर इसमें आ जाते हैं, फंसने वाले शब्द को भूल जाते हैं, तो इनकम इनका आना शुरू हो जाता है, और आता ही आता है, आएगा। आज हमें शुरुआत किए थे 512 से, आज लाखों रुपया की इनकम है। मेरी टीम के अंदर में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, किसान, अनपढ़, पढ़ा लिखा, औरत, मर्द, पूरे भारत में लगभग 18 स्टेट में हमारा बिजनेस चलता है। और ऐसे ऐसे युवक है जो दुबई छोड़ के आज आरसीएम बिजनेस में लाखों रुपया महीना ले रहा है। और हम यही कहेंगे सारे लोगों को, इस बिजनेस को केवल जीना है आपको शुरुआत में। अगर जीना शुरू कर दिया और दिल से, देखिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज बताते हैं आपको, नमक खाने में दिमाग की क्या जरूरत है, हल्दी खाने में दिमाग की क्या जरूरत है, शैम्पू लगाते हैं उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। आपको एक ही चीज करना है, आज के बाद, आज के बाद अगर इस सिस्टम में आ गए तो सारा प्रोडक्ट इसको यूज करना है, और यूज जब करते रह गए तो एक दिन सफलता आपको गारंटी मिलेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी जी। और हम भी चाहेंगे आपके साथ अब एक जबरदस्त शुरुआत करें जी जी। और जो पिन आपके पास है, कोशिश करेंगे हम भी उस पिन पे बहुत बिल्कुल 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 आएंगे आप। और बस एक ही बात कहेंगे, आपके जीवन में बाहर आए, आप इस बिजनेस को सुने, मेरे को सुने, और एक ही बात कहेंगे, आप लोगों के लिए काम करना शुरू कीजिएगा, तो सफलता आपको जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो ये हमारे एमपी सर थे, मृत्युंजय प्रसाद यादव, जिनसे अभी हम लोग बात किए, और काफ़ी अच्छा हमारा परिचय रहा इनके साथ, और अच्छे व्यक्तित्व हैं। तो जैसा कि आप जाने आरसीएम बिजनेस के बारे में कि कितनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो हमें भी यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में फिर हम इनसे कुछ और भी ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जो कि अगला वीडियो जब इस पर डलाएगा तो आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।